हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई अपना 12th का रिजल्ट 31 जुलाई को डिक्लेयर करने वाली है, तो उसके बाद सभी 12th के स्टूडेंट्स को टेंशन है कि उन्हें आगे कौन सा कोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ एक लिस्ट मैंने तैयार की है 12th के बाद। आप तो देखिए, यहाँ मैं आपको ये लिस्ट दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन शेयर मैंने आपके साथ किया है। और यहाँ है वॉट टू डू आफ्टर 12th साइंस, पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट्स दोनों के लिए यहाँ मैं बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है मेडिसिन, यहाँ मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं। जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, देखिए बायो वाले स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। एमबीबीएस, नीट, आपको पता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में जा सकते हैं, बीडीएस। यहाँ मैंने मेंशन किया है 50 परसेंटाइल, 50 अगर आपकी परसेंटाइल आती है नीट में तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, यहाँ 50% मार्क्स आपको चाहिए। 12th पीसीएम हो आपके पास या पीसीबी हो तो भी चलेगा, और फार्मेसी का कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे आप मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 12th में आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इट मीन्स होता है कि आप एनिमल डॉक्टर बनते हैं इससे, तो ये आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए आप जा सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं आप, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक कैसे करेंगे, बीई इन बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं वो, तो ये बायो स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, एक्सरे टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो ये देखिए वो कोर्सेज हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और अच्छा स्कोप है आज के समय में इन सबका, कि आप किस आधार पे अपने कोर्स को चुन सकते हैं। तो इस लिस्ट से हम ये डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव अ बायो मैथ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, वेरियस इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस ओपन बिसाइड्स बेसिक साइंस एंड इट्स एलाइड फील्ड्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब देखिए, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, हेल्थ केयर डेटा माइनिंग में जा सकते हैं, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजीज में आप जा सकते हैं। तो देखिए, ये सारे वो कोर्सेज थे जो मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन है तब आप कर सकते हैं, ऊपर जो बताए गए हैं वो केवल बायो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के कोर्सेज के बारे में जिनके पास पीसीएम था केवल। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स रहे हैं तो बेसिकली उनके लिए इंजीनियरिंग सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सिविल से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं और मैरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। इनके अलावा ये सारी चीजें तो हुई जो कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर के कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जा सकते हैं, इसमें केवल 2 चांस मिलते हैं, आपको पता होगा। बैंकिंग में आप जा सकते हैं, देखिए मैथ्स और बायो के स्टूडेंट्स इसमें आर्ट्स, मैथ्स, बायो सभी स्टूडेंट्स बैंकिंग के लिए बैठ सकते हैं। LIC होती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ आप बैठ करके अगर कॉम्पिटिशन क्लियर करते हैं तो उसमें भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जर्नलिज्म के कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। इंटरनेट वेब डिजाइनिंग, इसका आज के समय में बहुत स्कोप है, आप ये भी कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट कोर्सेज कर सकते हैं आप, LLB के लिए जा सकते हैं और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन होता है बच्चों के पास, अगर किसी आगे फ्यूचर किसी वो एजुकेशनल कोर्स पर नहीं जा रहे हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ नाम दिए हैं कॉम्पिटिशन्स के जो कि कोर्सेज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेडिकल के लिए नीट मस्ट होता है क्लियर करना, इंजीनियरिंग के लिए जेई मेन्स के 2 एग्जाम्स होते हैं, जेई मेन्स एंड एडवांस। बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं तो पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्लरिकल पोस्ट के भी होते हैं। क्लरिकल पोस्ट के जो एग्जाम्स होते हैं वो 12th के बाद दे सकते हो। यहाँ पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं, पीओ मीन्स प्रोबेशनर ऑफिसर, तो वो ग्रेजुएशन के बाद आपको देना होता है, उसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। इंश्योरेंस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं
उसके लिए जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो LIC, GIC, NIAACL, UIIC, NICL एंड OICL, ये एग्जाम्स हैं, ये टेस्ट होते हैं जिनको क्लियर करना मस्ट होता है। अब देखिए लास्ट चीज बचती है यहाँ पर, हाउ टू चूज द राइट कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 12th साइंस PCMB। तो देखिए आपको बेसिकली कैसे चूज करना है कि किस कोर्स के लिए आपको जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले आपको देखना है 12th में मार्क्स आपके कैसे आते हैं, अपने मार्कशीट देखिए किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाते हैं। दूसरी चीज आपको देखनी है कि जो आपके चॉइसेस के कोर्सेज हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। फिर उन लिस्ट को बनाने के बाद आप देखिए कि पर्टिकुलर जो आपके चॉइस के कोर्सेज हैं तो उनका करियर ऑप्शन क्या है, आगे आप उसमें कितना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इस चीज को जरूर फोकस करें आप। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी काउंसलर से, और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं जो भी आपके लिए सुटेबल कोर्सेस हैं। तो ये थी वो लिस्ट जो मैंने तैयार की थी आप सभी के लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।